उधर बिहार की राजधानी पटना में दबंगों ने कहर बरपाया है। दबंगों ने एलजेपी नेता को निशाना बनाया, पहले एलजेपी नेता के घर पर पथराव किया, उसके बाद फायरिंग की। नेता के घर हंगामा और तोड़फोड़, बदमाशों ने की ताबड़तोड़ पत्थरबाजी। ये तस्वीरें पटना के दानापुर की हैं। दानापुर के सगुना मोड़ पर भारी बवाल मचा हुआ है, गोलीबारी हुई है, पत्थरबाजी चल रही है। बदमाशों ने एलजेपी नेता चंदन यादव के घर पर जाकर जमकर मारपीट की। इस दौरान बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग भी की। हमले में एलजेपी नेता चंदन यादव घायल हो गए। दानापुर में पत्थरबाजी होते ही हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों का दावा है कि कुल 5 हमलावर थे। मारपीट की घटना को अंजाम देने के बाद सभी बदमाश फायरिंग और हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। मारपीट में घायल चंदन और उनके भगिना को स्थानीय लोगों ने पास के अस्पताल में दाखिल करवाया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चंदन यादव के परिवार का दावा है कि उनके घर के पास कुछ बदमाश बैठकर मादक पदार्थ का सेवन कर रहे थे। जब ऐसा करने से मना किया गया तो बदमाशों ने आपा खो दिया और पत्थरबाजी के साथ साथ फायरिंग कर ली। हंगामा अधिक बढ़ गया तो पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से 3 खोखे बरामद किए और एक संदिग्ध युवक को हिरासत में ले लिया। ये तस्वीरें बिहार के आजीपुर की है। यहाँ हत्या को लेकर हंगामा मचा हुआ है। बस स्टैंड संचालक की हत्या के बाद स्टेट हाईवे जाम कर दिया गया है। गुस्साए परिजनों ने आगजनी कर दी है। दरअसल पिछले हफ्ते जितेंद्र राय को बदमाशों ने गोली मार दी थी। इलाज के दौरान जितेंद्र राय की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार वालों का आक्रोश भड़क गया। हाजीपुर हाईवे पर ही परिवार के लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे, पूरे हाईवे को जाम कर दिया, जिसकी वजह से हाईवे पर आवाजाही ठप हो गई। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन बदमाशों को पकड़ने में पुलिस गंभीर नहीं है। ये तस्वीर महाराष्ट्र के सतारा की है। बीच सड़क पर फायरिंग हो रही है। तस्वीर में देखिए कैसे ये शख्स बेखौफ होकर दूसरे शख्स को गोली मार रहा है। पहली बार में निशाना चूका तो फिर फायरिंग कर दी। शख्स के पेट में गोली लगी है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वही पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फायरिंग की पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।